उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या हो रही है, उसको लेकर के मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी परिसर में धरने पर, क्रमिक धरने पर बैठा हुआ हूँ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि साधु भी हैं, उनसे मैं मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो साधुओं की हत्या हो रही है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। भाजपा सरकार में दो वर्षों में 20 से अधिक साधुओं की हत्या हुई। अभी बीते दिनों गोंडा में एक साधु पर गोली चली, अलीगढ़ में साधु की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जिस दिन ऐसी भयानक घटनाएं ना हो रही हों। साधु संत और ब्राह्मण लगातार गुंडों के निशाने पर हैं। अयोध्या हनुमान नगरी के पुजारी गुस्से में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इंसाफ कीजिए, और वो लगातार मुख्यमंत्री जी से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नींद से जागिए और इनकी समस्याओं को सुनिए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जब मुख्यमंत्री ही अपराध को अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार देने लगे तो पुलिस का क्या? उत्तर प्रदेश में पहले बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, फिर हत्या और आत्महत्या, उसके बाद उनके चरित्र पर सवाल, और फिर बाद में न्याय की हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता दी जाती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास को देख नहीं पा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विकास को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिशें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही तरक्की कर गया है। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या हो रही है, उसको लेकर के मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी परिसर में धरने पर, क्रमिक धरने पर बैठा हुआ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि साधु भी हैं, उनसे मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो साधुओं की हत्या हो रही है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। अगर तमाम साधुओं की इसी प्रकार से हत्या होती रहेगी तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य की जगह रावण राज्य कायम होता चला जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दो वर्ष में लगभग 20 साधुओं की हत्या हो चुकी है, ना उनको कोई मुआवजा दिया गया, ना उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई। साधु की संपत्ति ठाकुर जी की संपत्ति होती है, उसको उत्तर प्रदेश के गुंडों ने हड़पना चालू कर दिया, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। मैं योगी जी से मांग कर रहा हूँ कि उसकी समुचित व्यवस्था की जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि जिन साधुओं की हत्या हुई है, उनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और उनके जो परिजन हैं, उनके भरण पोषण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था किया जाए। अगर योगी जी इसको करने में सक्षम नहीं है, तो मैं एक साधु होने के कारण उनसे मांग करता हूँ कि इस गरिमामयी पद से इस्तीफा दे दें और उत्तर प्रदेश को जलने से बचावें। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलनत टाइम।